लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये आदमी सीधे क्या देता है कि मुझसे जो मिलने आएगा उसे ड्रैगन सेक्ट और बूजी सेक्ट दोनों का सामना करना होगा। इस बात को सुने सिटी वाले अब पीछे हटते हुए ख्याल आता है कि नहीं, हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें दूरी रहना है। एक तो ड्रैगन सेक्ट वाले कमीन, ऊपर से बूजी सेक्ट वाले भी महाकमीन, अगर ये दोनों मिले हुए हैं तब तो हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिस पर ये सैनिक याद आई, सर क्या करें, अब तो हालात बस से और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। हम लोग ऐसे फंस गए हैं जैसे शादियों में गोलगप्पे वाला लड़कियों के बीच फंसता है, ना तो निकल सकते और ना ही किसी और को बुला सकते हैं। तब कैप्टन वो कह रहा है ठीक है, हम किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे। विराट सिटी दो बड़े सेक्टर के बीच के लफड़ों में नहीं पड़ने वाली, इसलिए तुम लोग अपना अपना देख लो। जिस पर ये आदमी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कह रहा है कि मिस्ली वो देखो तुम्हारा प्लान किस तरह से फेल हो गया। अब समझे मैं क्यों कह रहा था कि शिवशाह मेरे साथ चलो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी नहीं। तब लियोंग आगे आती है कि अदाई ठीक है, अगर ऐसी बात है चलो मैं टू मैन इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करते हैं, अगर तुम जीते तो फिर मिस लीव को लेके जा सकते हो। जिसे सुने सिटी वाले अब आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि लगता है ये लड़का पागल हो गया है, जरा अपनी लेवल देखे क्या है और सामने से अपोनेंट खड़ा है उसकी लेवल क्या है। तब दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये मारा जाएगा, 100% कन्फर्म है, ये लड़का एक जीनियस स्पेल मास्टर था, पता नहीं इस तरह के झमेले में क्यों पड़ा। जिस वाले वो पूछते है क्या तुम श्योर हो, याद है ना उस बार उस गोल्डन एलम के आदमी से फाइट करने के लिए हमें ट्रिक का यूज करना पड़ा था। तब लियोंग कहता है डोंट वरी, मुझे यकीन है मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ। जिस पर ये आदमी कहता है अगर तुम्हें खुद में इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर आ जा, इस बार इस लड़की के पीछे छिपने की कोशिश मत करना, अगर छिपोगे भी तो मैं तुम्हें उससे पहले ही पकड़ लूंगा, चाहे इस लड़की को मुझे हर्ट ही क्यों ना करना पड़े। तब लियोंग कहता है कि मुझे तुम जैसे कमीने लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए सारी बकवास बंद करो और आज दिखाओ मुझे कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। जिस पर ये आदमी अब तुरंत ही बहुत ही गुस्से में लियोंग की ओर बढ़ जाता है और फिर अपने अटैक को लियोंग के ऊपर बरसाते हुए कहता है कि ये लो बाशर, तुम्हारी लाइफ इसी के साथ एंड होती है। तब लियोंग कहता है बचे उससे वो लाइटिंग ब्लेड टेक्निक है, जिस पर लियोंग कितना कहता है लियोंग के सिस्टम की वजह से इसकी स्पीड 5 गुना बढ़ जाती है, जिससे ये आसानी से इस अटैक से डॉच कर जाता है। तब ये आदमी कहता है क्या इतना फास्ट रिफ्लेक्शन, लेकिन इसे तो मेरा अटैक दिखना भी नहीं चाहिए था, क्या वाकई में इसकी लेवल जो दिख रही है वही है। जिस पर लियोंग भी इधर अब अटैक कर देता है, जिससे ये आदमी अपनी स्पीड से बच जाता है। तब लियोंग कहता है स्पीड थोड़ी और बढ़ानी होगी और इतना कह दिया प्लग झपकते ही आदमी के पास पहुंच जाता है, जिस पर ये आदमी कहता है हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, ये जो दिख रहा है वो है नहीं, इसकी स्पीड मेरी ही जितनी है, यानी ये भी ऑलमोस्ट मेरे ही जितनी। तब ये दोनों अपने अपने शॉट से एक दूसरे से टकराते हैं, जिस पर याद भी किया जाएगी क्या ही पावर है। तब लियोंग अपने मन में किया जाएगी पावर इनफ नहीं है, मुझे थोड़ी और पावर चाहिए, जिस पर अब इस आदमी शॉट में क्रैक आने लगते हैं, जिसे देखकर ये आदमी किया जाएगी नामुमकिन, आखिर इसके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर कहाँ से रही है। तब सिस्टम की वजह से लियोंग का स्ट्रेंथ अभी के लिए 6 गुना और बढ़ जाता है, जिससे ये अपने शॉट को इस आदमी के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से आदमी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता हुआ नीचे गिरने लगता है। तब लियोंग बगैर कोई देर ही अपने शॉट को सीधे से बॉडी में घुसेड़ देता है, लेकिन फिर भी लियोंग को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है, जिस पर ये आदमी बहुत ही गुस्से में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तब सिस्टम डिटेक्ट करता है कि इसकी पावर अचानक ही 20 गुना तक बढ़ गई है, जिस पर लियोंग अपने मन में कहता है कि लग रहा है किसी बड़े अटैक को करने की फिराक में है, अगर ये अटैक मुझ पे हो गया तो फिर मेरा बचना तो लगभग नामुमकिन होने वाला है। तब सिटी के लोग भी अब सौरा को देखते हुए कहते हैं कि ये तो शायद बूजी सेक्ट का स्पेशल ब्लैक डेमोनिक स्वॉर्ड को अपेयर कर रहा है, और अभी आदमी काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है तुम जैसे बास्टर्ड की इतनी हिम्मत की मुझे हर्ट करो, अब देखो कैसे मैं तुम्हें पीसेस में काटता हूँ। तब सीढ़ी के लोग कह रहे ब्लैक डेमोनिक स्वॉर्ड पहले सिर्फ इसके बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया, अब तो ये लड़का किसी भी कीमत में नहीं बच सकता। जिस वाले लोगों कह रहे अगर आज मर रहा है तो फिर यही सही, चलो सब कुछ किस्मत के हाथों में छोड़ते हैं, और इतना कह रही ये सीधे सड़क को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ जाता है। तब सिस्टम ऑटोमेटिक स्पीड ड्यूरेबिलिटी स्टेमिना सब कुछ बढ़ा देता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 20% से ऊपर है, जिस पर सीढ़ी वाले अब देखते हुए क्या याद है गया ये लड़का अभी से कोई भी नहीं बचा सकता, किसी ने बिल्कुल सही कहा लोग लड़की के चक्कर में बावले हो जाते हैं। तब इस आदमी का ये अटैक और लियोंग आमने सामने हो जाते हैं, जहाँ लियोंग इसे अपनी ओर आते हुए बहुत ही गौर से देखता है, जिसके बाद अचानक ही यहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाका होता है। तब ये आदमी बहुत ही जोरों से हंसते हुए क्या याद आई कैसा लगा मेरा स्वॉर्ड अटैक, आज तक इसे न जाने मैंने कितने बड़े बड़े सुरमाओं को खत्म किया था, तो फिर ये शूजा क्या ही बचता,
जिस पर तभी धुएं के बीच से लियोंग एंट्री मारते इस बार अपना स्वॉर्ड इसके बॉडी के आर पार कर देता है। तब ऐसा होते ही आदि तुरंत यहीं पे मारा जाता है, जिसे देखकर सीढ़ी के लोग कहते हैं कि क्या हम जो देख रहे हो कोई शलाव तो नहीं। इस बच्चे ने तो सच में इस गोल्डन रैम के आदमी को निपटा दिया। तब दूसरा आदमी कह रहा है कि लेकिन देखो उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, ये शायद किसी टाइप की स्पिरिचुअल मैसेज जो इसके डेथ के बाद इसके क्लैन वालों को खबर पहुंचा देगा। तब सच में इसकी बॉडी से निकलने वाला ये वाला आसमान में जाके कहीं और जाने लगता है। जिस वाली अगली उसके आदाई हमें निकलना होगा वरना जल्दी मुझे साइड के लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब लियोंग को उठाती हुई कह दी लेकिन कैसे इस आदमी से फाइट करनी वैसे तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो। जिस वाली कह रही हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी बॉडी अंदर से डैमेज हो गई है। और फिर ये अपने मन में कह रहा है कि सिस्टम के बढ़ाए हुए पावर से झेलना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम है, मेरी बॉडी शायद अचानक इन बड़ी हुई पावर से झेल नहीं पाती है। तब इधर अब कैप्टन वू के पास एक लेटर आता है जिसे पढ़ते हुए कैप्टन वू कह रहा है कि वो तो सिटी लॉर्ड को सब कुछ पता है। और फिर ये बंदा इन दोनों से कह रहा है कि आप लोगों का स्पेशली सिटी लॉर्ड ने इनवाइट किया है। जिस वाली ओंग कह रहा है कहीं तुम्हारा सिटी लॉर्ड हमें किसी और के हाथों सौंपना तो नहीं चाहता। तब कैप्टन वू कह रहा है नहीं ऐसी बात नहीं है, सिटी लॉर्ड कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो बस सिंपली मिलना चाहते हैं। जिस वाली ओंग कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पहले यहाँ से भागना होगा क्योंकि तुम लोग तो हेल्प करोगे नहीं। तब कैप्टन वू कह रहा है कि अगर तुम दोनों अभी यहाँ से भागे तो फिर तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सबको तुम दोनों के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सिटी लॉर्ड के महल में ही चलो, वो इकलौती जगह जहाँ पे कोई भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गए तो फिर कांग्रेचुलेशन तुम दोनों बच जाओगे और सक्सेसफुली आराम से अपनी इमॉर्टल सेट पहुँच सकते हो। जिसमें लियोंग अपने मन में क्या आता है कि मुझे रिकवरी करने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए होगा, अगर मैं अभी भागा और फिर इसी लेवल के दुश्मनों ने घेर लिया तो फिर बच पाना मुश्किल होगा, इसीलिए चलो पहले सिटी लॉर्ड से ही मिल लिया जाए। तभी सोच लियोंग क्या आता है ठीक है चलो दिखाओ मुझे तुम्हारा सिटी लॉर्ड कहाँ है। जिस पर आप सीन चेंज होता है हम उसी सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर्स अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रहे थे जिसने भी हमारे आदमी को मारा है उसे और उस लड़की को तुरंत ही पकड़ के यहाँ ले आओ। तभी सेट के डिसाइबल भी यह सेल्डर कहते हुए निकल जाते हैं, जिस वजह से वापिस हम सिटी लॉर्ड के महल को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों पहुँच गए थे। तब सिटी लॉर्ड कहता है कि वेलकम वेलकम तुम दोनों का स्वागत है। जिस वाले ओंग कहता है किस लिए बुलाए हैं वो बताइए क्योंकि खाना खाने के लिए तो आपने बुलाया नहीं होगा। तब सिटी लॉर्ड कहता है कि एक जीनियस लड़का और उसके शादी मॉडल सेट की प्रिंसेस, अगर तुम दोनों के बूझे सेट या फिर डाइंग सेट वालों को सौंप दो तो सोचो मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर ही बुला लिया। तभी सुन के लियोंग अपने और आपको अपेयर करते हुए क्या था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, सभी को यहाँ अपने अपने फायदे की पड़ी है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।